दिसंबर 2019 में शुरू हुआ कोरोना वायरस आज 100 से ज़्यादा देशों में फैल चुका है और विश्व में इससे प्रभावित लोगों की संख्या 1,35,000 को पार कर चुकी है और 5,000 लोगों की मौत हो चुकी है। भारत सहित कई देशों ने विदेशी यात्रियों को वीज़ा जारी करना बंद कर दिया है और जो लोग विदेश में भारत लौट रहे हैं उनकी हवाई अड्डे पर थर्मल स्कैनिंग की जा रही है ताकि इस वायरस से प्रभावित लोगों की पहचान की जा सके। भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद, मैंगलोर और जयपुर समेत देश भर के 20 हवाई अड्डों पर आधुनिक थर्मल स्कैनर लगाए हैं। देश भर के विभिन्न हवाई अड्डों पर लगाए गए थर्मल स्कैनर्स के जरिए अभी तक करीब 45,000 लोगों की जांच की जा चुकी है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि ये थर्मल स्कैनर क्या होता है? व्हाट इज थर्मल स्कैनर? और ये किस तरह काम करता है? हाउ थर्मल स्कैनर वर्क्स? आइए इस लेख के माध्यम से इन्हीं प्रश्नों के उत्तर जानते हैं। थर्मल स्कैनर क्या होता है? व्हाट इज थर्मल स्कैनर? थर्मल स्कैनर इंफ्रारेड थर्मोग्राफी के माध्यम से कार्य करता है। इंफ्रारेड थर्मोग्राफी एक डिजिटल छवि प्रदान करती है जो तापमान पैटर्न को दिखाती है। यह सिस्टम 40 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को माप सकता है। व्यक्ति के शरीर का तापमान बदलने के साथ साथ थर्मल इमेज का रंग भी बदलता जाता है। कुछ डिवाइस में रंगों के पैटर्न के अलावा बकायदा शरीर का तापमान भी लिखा हुआ आता है। इतना ही नहीं, किसी व्यक्ति के शरीर का तापमान सामान्य से अधिक होने पर यह स्कैनर बीप के माध्यम से सिग्नल भी देता है। थर्मल स्कैनर कैसे काम करता है? हाउ थर्मल स्कैनर वर्क्स। थर्मल स्कैनर को मुख्य रूप से एयरपोर्ट जैसी भीड़ वाली जगहों पर लगाया जाता है। जब कोई व्यक्ति इस स्कैनर के सामने से गुजरता है तो व्यक्ति के शरीर में मौजूद विषाणु इंफ्रारेड तस्वीरों में दिखाई पड़ते हैं। जिन व्यक्तियों के शरीर में विषाणु की संख्या अधिक या खतरनाक स्तर पर पहुंच जाती है उनके शरीर का तापमान बढ़ जाता है। ऐसे लोगों को भीड़ से अलग करके उनकी जांच की जाती है। किन किन बीमारियों को डिटेक्ट करता है थर्मल स्कैनर? यह माना जाता है कि इंफ्रारेड कैमरों का उपयोग संभवतः बुखार, सार्स के लक्षण और एवियन इन्फ्लुएंजा जैसे विषयों का पता लगाने के लिए किया जा सकता है। यहाँ पर यह बात ध्यान देने वाली है कि थर्मल इमेजर त्वचा के तापमान को मापता है न कि शरीर के अंदर के तापमान को। हालांकि इंफ्रारेड सिस्टम की सटीकता मानव पर्यावरण और उपकरण की क्वालिटी से भी प्रभावित हो सकती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि थर्मल स्कैनर की मदद से कोविड-19 से प्रभावित लोगों की पहचान करना एक सस्ता, तेज और विश्वसनीय कदम है। उम्मीद है कि जल्दी ही इस महामारी का टीका खोज लिया जाएगा। उम्मीद है कि इस लेख को पढ़ने के बाद आप समझ गए होंगे कि थर्मल स्कैनर क्या होता है और इसकी मदद से कैसे कोविड-19 और अन्य ऐसे ही रोगों से पीड़ित व्यक्तियों की पहचान की जाती है। ऐसे ही और रोचक लेख पढ़ने के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।